हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो होने वाली है उनके एमए इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपका कोर्स टाइटल है एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, डेफिनेटली मान लीजिए इनमें से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपके साथ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके रिपीटेड भी हैं एग्जाम्स में आपको दिखाऊंगी, वो क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको एक लाइक जरूर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपीआरटू से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको चैनल पर अवेलेबल हो जाता है। सो गाइज, स्टार्ट करती हूं क्वेश्चंस के साथ। सो गाइज, जो क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद रिपीटेड क्वेश्चंस भी आपके देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, हाउ डिड लैंग्वेज ओरिजिनेट। आपके सारे ब्लॉक में से ये क्वेश्चंस आपके इंक्लूड करे हैं मैंने यहाँ पर। उसके बाद व्हाट इज लैंग्वेज, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। उसके बाद हाउ इज ह्यूमन लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल कम्युनिकेशन, आउटलाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। उसके बाद मेजर 18th सेंचुरी के ऊपर ग्रामरियंस के ऊपर एक नोट लिखना है आपको। फिर आपको डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल रेफरेंस टू द थ्री पीरियड्स के ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट पे आपको डेवलपमेंट ऑफ लेक्सिकन फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश पर एक क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट आपको स्पीच ऑर्गन्स के बारे में और पिक्चर बनानी है उनकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिटेल सॉसर प्रिंसिपल्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। स्टार मार्क कर लीजिए, क्यों करना है स्टार मार्क ये भी मैं आपको अभी एंड तक बताऊंगी। सो गाइज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वोवल्स ऑफ इंग्लिश विद सुटेबल इलस्ट्रेशन के लिए आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज एफिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सापिर वर्स ऑफ हाइपोथेसिस, स्टार मार्क कर लीजिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी ये क्वेश्चन पेपर के अंदर। उसके बाद कोड स्विचिंग या फिर नोट ऑन द फॉर्म ऑफ इनोटेशन, व्हाट इज बोरिंग और डेविएशनल मॉर्फोलॉजी के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करी जाए तो आपसे क्वेश्चंस पूछा गया था व्हाट इज वर्ड, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद डिस्क्राइब द ग्रामेटिकल चेंजेस इन द मिडिल इंग्लिश। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए तो कमेंट ऑन द क्लस्टर, और फिर व्हाट आर द various methods of word formation, meaning and changes in words. उसके बाद what do you mean by conjunctive styles. Next question रहेगा discuss the changes in the spellings of middle English to modern English. फिर speech community के ऊपर आपको एक note लिखना था। Next question है आपका Indo-European family of language, और फिर आपको short note लिखना है transformational generative grammar के ऊपर, और last question यहाँ पर आपके लिए important रहेगा register के ऊपर आपको एक note लिखना है। So guys, ये थी important questions. अब देखिए repeated questions की तरफ चलते हैं, या फिर important questions कह सकते हैं आप उनके लिए भी, इनको आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम्स। सो गाइज, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए जो आपके पेपर में इंक्लूड करे गए हैं, ये मैंने अलग अलग सोर्सेज से आपके लिए पेपर्स कलेक्ट करे हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए पूछा गया था सापिर वॉल्फ हाइपोथेसिस, जो मैंने अभी आपसे आपके साथ डिस्कस करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में टोन्स के बारे में इन इंग्लिश पूछा गया है, मोटिवेशन के बारे में एक नोट लिखना है, नोशन ऑफ इंग्लिश इंडियन इंग्लिश के बारे में लिखना है, और लिटरल वर्सेस फिगरेटिव मीनिंग के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर पूछा गया था सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ पर्सनैलिटी एंड कॉन्जिनेटिव स्टाइल एंड एटीट्यूड इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन या फिर लर्निंग। देखिए कॉन्जिनेटिव स्टाइल के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट डिस्क्राइब द क्राइटेरिया ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ वोवल्स गिविंग एग्जाम्पल। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हाट टेस्ट वुड यू अप्लाई टू आइडेंटिफाई अ सिंटैक्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल। आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज अ स्पीच कम्युनिटी, डिस्कस द प्रॉब्लम्स डिफाइनिंग अ स्पीच कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, अभी मैंने आपको पहले बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, देखिए यहाँ पेपर के अंदर पूछा भी गया है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैंग्वेज से रिलेटेड, एनालाइज द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश, स्टार मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डुअलिज्म एंड मोनिज्म, गिव एग्जाम्पल्स। आगे बात करते हैं फिर से आपके क्वेश्चन पेपर्स में, तो आपके लिए नोट लिखना था, शॉर्ट नोट्स लिखने थे इन टॉपिक्स के ऊपर, राइजिंग टोन एंड इट्स फंक्शन, सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड वर्ड्स के ऊपर नोट लिखना था, देन प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, आप देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। उसके बाद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के ऊपर आपको एक नोट लिखना था। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गिव एन अकाउंट ऑफ द साइलेंट फीचर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर एंड हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम ब्लूमफील्ड्स मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था डू यू थिंक द एक्सटेंसिव यूज ऑफ एन लैंग्वेज टूल लाइक इंग्लिश इंडियन कॉन्टेक्स्ट लीड टू द नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडियन लैंग्वेज, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर इंडियन लैंग्वेज के ऊपर
ऊपर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अटेम्प्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। फिर क्वेश्चन था, सम पीपल परफॉर्म बेटर देन द अदर्स इन लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज, व्हाट आर द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय सेकंड लैंग्वेज लर्निंग रिसर्च। तो ये लर्निंग वाले ब्लॉक में से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एग्जामाइन द आइडियनेस इंडियनेस ऑफ इंडियन इंग्लिश, गिव अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। तो इंडियन इंग्लिश में से देखिए आपसे कितनी बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है हर बार के लिए। आगे सो गाइज ये ही थे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद रखती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। बाय बाय।